हाय बच्चा लोगों कैसे हैं आप मैं विनय गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं बच्चों केजे बी साइंस इजी लर्निंग आपका और अपना फेवरेट चैनल और जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों केजे बी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है एमसी MC, सी सीरीज जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं और आज पार्ट फाइव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इससे पहले हम फोर पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के तो चलिए शुरू करते हैं आज का जोश से और होश से नया पार्ट पार्ट नंबर फाइव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पैसेज टाइप क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन वन टू सिक्स कवरअप करेंगे इसमें हम और एक कह रहा है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगोरेशन सबको पता होना चाहिए बच्चों ओके एन एलिमेंट लेस इलेक्ट्रॉन इन द उटरमो सेल शो केमिकल रिएक्टिविटी सबको पता है जिसके आउटरमोस्ट में एट से कम होते हैं वो चाहता है उनके एट हो जाए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए ओके okay. तो आप सबको मैं बता दूं ऑक्टेट रूल होता है बच्चों एक आप सभी को आना चाहिए ऑक्टेट रूल मतलब हर कोई चाहता हर आ, आ, एटम एलिमेंट का चाहता है कि उसके आउटरमोस्ट सेल में आउटोमो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए बच्चों एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए कुछ एलिमेंट होते हैं जो एट नहीं कर पाते वो बच्चों डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं ओके जैसे आपका हाइड्रोजन है लिथियम है ए यानी कि डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और उनको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड

याद रखिए जिनके आउटरमोस्ट में वन टू और थ्री होते हैं बच्चों देट आर मेटल्स और जिनके आउटरमोस्ट में फोर फाइव सिक्स सेवन होते हैं देट आर नॉन मेटल्स क्लियर अगर आपको पता हो जिनके आउटरमोस्ट में एट होते हैं उन्हें नोबल गैस कहते हैं सबको पता हो, हीलियम एक्सेप्शन है हीलियम की केवल एक ही शेल होती है के और उसमें एक ही आ, दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज एक्सेप्शन केस है तो आपको जो एक्स दिख रहा है दैट इज नॉट अ मेटल दैट इज हीलियम ओके तो इट इज नॉट अ मेटल क्लियर सेवन सेवन आउटर मोस्ट में नॉन मेटल सबको समझ में आ रहा है बच्चों और टू आउटर मोस्ट में दैट इज मेटल तो आपको बच्चों पता चला कि एक्स इज मेटल नो दिस इज नॉट अ मेटल नो दिस इज नॉट बाई नॉन मेटल है आपको देखिए एक एक स्टेप से आप क्वेश्चन चेक करेंगे ना आपको सारा आएगा नॉन मेटल, नो जेड इज मेटल बाई इज मेटल एंड जेड इज मेटल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट डालिए नहीं तो बच्चे यहां पे एक्स में भी कंफ्यूज होते हैं और सबको समझ में आ गया होगा पक्का बच्चों क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर टू एलिमेंट एक्स कंबाइंड विद एलिमेंट बाई टू फॉर्म अ कंपाउंड जेड ओके एक एलिमेंट एक्स है 22 से कंबाइंड हो रहा है और कंपाउंड Z बना रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एटम ऑफ X लूज वन इलेक्ट्रॉन ईच वेयर एज एटम ऑफ Y गेन वन इलेक्ट्रॉन ईच हमें बताना है कि जो Z कंपाउंड बना उसमें बच्चों क्या प्रॉपर्टीज नहीं होंगी पहले समझिए इस क्वेश्चन को ढंग से X वन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्लियर तो पक्का X क्या बना रहा होगा पॉजिटिव एक पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक्स पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक्स वाई बन गया कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों कंपाउंड आयोने कंपाउंड जो होते हैं बच्चों वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं ओके इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है देखिए पूरा अपने आप क्वेश्चन खुल जाएगा ओके और एक केवल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट क्लियर तो हाई मेल्टिंग पॉइंट करेक्ट है दिस इज पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट नो अक्रेंस सॉलिड यस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट यस तो दिस इज द करेक्ट आंसर इसका हुआ जो प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही बी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड में जरूर आ रहा है वेरी नाइस nice. ईशांतिक क्वेश्चन जरूर आएगा पक्का वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड एक और अच्छा क्वेश्चन बीच तो फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आइए इसे समझा रहा हूं पूरा ढंग से देखना एम आप सबको पता है एम जी कन्फिगुरेशन टू एट टू क्लोरिन कितना होता है बच्चों कन्फिगुरेशन टू एट सेवन अब क्या एक एम जी एक्सएल से शादी कर पाएगा नो no, क्योंकि एम दो इलेक्ट्रॉन है तो एम जी के आउटर में दो इलेक्ट्रॉन ये हमने डॉट स्ट्रक्चर बना दी। अब सी एल जो होगा बच्चों सी एल एक सी एल नहीं होगा हमारे पास हमें कम से कम दो सी एल चाहिए होंगे जिससे कि वो दो इलेक्ट्रॉन्स ले सकें सबको समझ में आ रहा है देखिए समझिए ढंग से अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया क्या बन गया बच्चों एम जी पर क्या आया टू पॉजिटिव और सी एल दो दो चार दो छात्र एक सी एल पे एक नेगेटिव आया टोटल सीएल कितने थे टू अब आप चाहें तो टू यहां लिख सकते हैं या टू यहाँ लिख सकते हैं बात एक ही है क्लियर सबको आगे अंबर मैनक बाबू पक्का है बेटा बहुत अच्छी तरह पढ़िए अब आप मैच करिए किससे मैच करता हुआ देख रहा है आपको तो दो इलेक्ट्रॉन दिस इज नो सेकंड रॉन्ग है देखिए पहले मैं रॉन्ग को डिस्प्लेस कर रहा हूं और दिस इज एम जी टू पॉजिटिव सी एल टू द करेक्ट चॉइस इज बच्चो दिस इज ए ए इज द करेक्ट द वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों काफी बार पेपर में आया है वेरी इंपोर्टेंट डाल देना वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ सोडियम आयन अच्छा कौन कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है तो कौन कौन क्लास फोर्थ में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे था जल्दी से अपना नाम बताइए जो जो बच्चे क्लास फोर्थ में फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी भी रैंक पर थे तो पक्का आपके हर बच्चे के अंदर एक टॉपर है बस उसे आपको निकालना है या भूल चुके हैं उस टॉपर को द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन ऑफ सोडियम आयन एज अब सोडियम आयन का कन्फिगोरेशन पूछ रहा है दैट इज एन ए टू एट वन अभी तुरंत कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसे आठ करने हैं तो एन ए पॉजिटिव बन जाएगा टू एट रह जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन अब टू एट द करेक्ट चॉइस इज डी सबको आ गया बच्चों पक्का आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है आता है पेपर में क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बच्चों वो एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम मेटल्स कहते हैं क्लियर मेटल्स वो होते हैं जिनके ऑटोमोस में वन टू और थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको आ रहा होगा पक्का क्लियर तो बच्चों दिस इज़ करेक्ट चॉइस इज सी सी इज द करेक्ट आंसर सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए बोलो वर्तिका अनुष्का सबको आ रहा है बच्चों पक्का क्लियर क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत टफ है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं और मुझे अगर आपको कल आज नहीं आता है तो कल मैं इसे वापस से वीडियो में कवरअप करूंगा और खुद सॉल्व करूंगा आज आप ट्राई करें और देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसको ढंग से करते हैं ओके अंबर दम से करिए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट

वो सबने देखा होगा पाउडर फॉर्म में आपको पता है क्या बच्चों जो कॉमन सॉल्ट होता है वो क्रिस्टल्स फॉर्म में भी आता है बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं बिल्कुल मिश्री की तरह दिखते हैं किस किस ने देखे हैं क्रिस्टल्स दैट इज आयनिक कंपाउंड होता है सोडियम क्लोराइड पक्का तो जल्दी से नाम बताइए सर देखे मैंने वो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स ओके okay, अब तो वो पाउडर फॉर्म में आप नमक देखते हैं अदरवाइज पहले उसी फॉर्म में आता था और लोग अपने घर पर उसे कूट कर पीस कर नमक बनाते थे क्लियर चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन सेवेंथ कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज टू आप सबको मैं बता दू कैटाइन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं और लॉस करके क्या बनाते हैं कैटाइन बनाते हैं सबको आ रहा है बच्चों अब इनमें से जो मेटल होगा नंबर याद होने चाहिए फ्लोरीन का नंबर टू सेवन दिस इज नॉट अ मेटल ऑक्सीजन टू सिक्स नॉट अ मेटल टू एट दिस इज नॉट अ मेटल पोटेशियम दिस इज मेटल सबको आ गया सी पक्का आ गया तो देखिए कंफ्यूगरेशन याद होगा क्या मैंने याद कर लर्न कराया रटके गया नो नो नीड टू बी लर्न एनी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों समझ में आ गया सबको चलिए क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज टू एन एन आइन एन आइन आपको मैं बता दूं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और किस में चेंज होते हैं बच्चों एन आइंस में क्लियर अब पता होना चाहिए कैल्शियम टू एट एट टू तो दिस इज मेटल मैग्नीशियम टू एट टू दिस इज मेटल जीनोन के आउटमोस में एट इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए नोबल गैस आयोडीन बचा जिसके आउटरमोस में सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं ओके फिर कल बाहर आएगी आंटी आपको याद होगा ग्रुप नंबर सेवनटीन ये वीडियो भी बनाई हुई है मैंने अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं ओके तो द करेक्ट चॉइस इज ए अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लियर तो बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत ढंग से पढ़िए मेटल्स नॉन मेटल जैसा टफ चैप्टर हम ख़त्म कर रहे हैं बच्चों अभी इसकी एक दो और वीडियो हो जाएंगी सोचिए आराम से हम डेली फोर्टी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री हंड्रेड करीब क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो कौन सा क्वेश्चन यार नया बोर्ड एग्जाम में आएगा एक भी नहीं आएगा बच्चों क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आपकी स्क्रीन पर आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन मैं आपको बता दूं ये प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की आयनिक कंपाउंड्स सुनिए ढंग से मैं चार्ज होता है अब इस चार्ज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है वाटर तो जैसे ही वाटर में इन्हें घोलते हैं तो वो चार्ज को खत्म कर देता है मतलब ब्रेक कर देता है और ब्रेक कर देगा तो इससे आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएंगे तो बच्चों द करेक्ट आंसर इज पेट्रोल सॉरी वाटर, नो पेट्रोल नो नन ऑफ डीज सबको आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों पक्का आ रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आई कंपाउंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट नो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिस इन सोल्यूशन यस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट यस अब मुझे यहां पे कौन कौन बताएगा कि वाई आयोनिक कंपाउंड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं देखते हैं कौन कौन बच्चा कमेंट में लिखेगा तो करेक्ट चॉइस क्या आया सेकेंड और थर्ड और द करेक्ट चॉइस इज डी सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन है पक्का वैभव पक्का रहा है वेदांश आर्यन चेन्नई से पढ़ रहे हैं दम से पढ़िए अच्छे मार्क्स लाइए पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए है ना चेन नहीं जब तक आपके मार्क्स ना हो तब तक आपको चेन नहीं होना चाहिए ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन सिलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली बेटे आयनिक कंपाउंड्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड आयंस यस सही है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नो नो no, तो शेयरिंग नहीं होती बच्चों आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है ट्रांसफर होता है हेरिका आर्ची बहुत अच्छे बच्चे माई सलूजा बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं आप बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार कोई ब्रेक हो रहा है कोई ब्रेक नहीं अभी चलता रहेगा जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे और मैं चाहता हूं आप फुल मार्क्स लेके नए आने की एंटर करें तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होगा ना कौन कौन चाहता है कि सर मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बुस्ट अप करना चाह रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहे हैं डेली एक वीडियोज देखकर मेरे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं पक्का तो द करेक्ट चॉइस इज बच्चो सी सबको आ गया होगा बहुत इंपॉर्टेंट अब आता है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस और इसको आपको लिखना है देखते हैं कौन कौन करेगा ओके क्लियर पक्का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज टाइप क्वेश्चन थर्टीन टू 18 आज के क्वेश्चन मैंने बहुत टफ दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब पेपर इजी नहीं आता अब पेपर का पैटर्न हो गया टफ ये सारे क्वेश्चन आने वाले सैम्पल पीस ऑफ फाइव मेटल्स पी क्यू आर एस टी आर एडेड टू द टेबुलेटेड सोल्यूशन सेपरेटली पी क्यू आर एस टी अब हमें इन ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके हमें बताना है क्वेश्चन के आंसर क्लियर तो पी मेटल को जब हमने क्या किया बच्चों सीयूएसओ फोर में डाला कोई चेंज नहीं आया क्लियर जेड एन एस ओ फोर में डाला तब भी कोई चेंज नहीं आया एफ ई एस ओ फोर में डाला तब भी कोई चेंज नहीं आया बट जब एजी थ्री में डाला तो एक कोटिंग बन गई क्या बन गई कोटिंग बन गई क्लियर लेयर बन गई मतलब उस पी ने ए जी को डिस्प्लेस कर दिया सबको समझ में आया क्यू क्या कर रहा है बच्चों क्यू ने यहां पे डिस्प्लेस हो रहा है तभी कोटिंग आ रही है ग्रे यहाँ पे भी डिस्प्लेस हो रहा है और यहां पे भी हो हो रहा है, तीन रहे हैं। आर नो डिस्प्लेसमेंट क्रॉस नो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है एस का बताया नहीं है जेड एन को नो चेंज ओके FES को no change और AGNO3 में brown deposit बनना है। चलिए डिस्प्लेस कर दिया क्लियर चलिए तो क्वेश्चन ये बार बार टेबल चेक करनी पड़ेगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी सबसे अच्छी रिएक्टिव मेटल होगी जो सबको डिस्प्लेस कर रहा है मतलब टी आपने देखा सबको डिस्प्लेस कर रहा है वन टू थ्री फोर द करेक्ट चॉइस इज टी सबको आ गया कि नहीं आ गया अरे जो सबको डिस्प्लेस कर रहा होगा तभी तो वो सीरीज में ऊपर होगा क्लियर बोलो बच्चों पक्का चलिए बिच इज द लीस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव देखिए जो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा आर है ना कोई चेंज नहीं आ रहा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो बिच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल बच्चों दैट इज आर सबको आ गया होगा पक्का चलिए आर अगर आई है तो आर नाम किस किस को अच्छा लगता है आर वो लेटर इनिशियल लेटर नेम का कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके आर नाम से फ्रेंड्स हैं ओके चलिए चेक करते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट इज आप सबको मैंने बताया था एक्टिविटी सीरीज जब बनाते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी क्या होती जाती है डिक्रीज टॉप मोस्ट पे होता है पोटेशियम और लास्ट पे होता है प्लेटिनम तो द अरेजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी करेक्ट चॉइस इज बी सबको आ गया बच्चों बोला करिए निखिल कुमार सिंह निखिल जीवन बैरीनाइ nice, जीवन है आपसे निखिल गोयल बहुत पढ़े हो बेटा क्लियर चले क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा सबको पता है सीरीज में अगर देखें तो आप जेड एंड टॉप पे होता है इन सब में और फिर एफ ई होता है फिर कॉपर होता है फिर सिल्वर होता है सबसे लास्ट में ए जी है तो ए जी इज द लीस्ट रिएक्टिव सबको आ गया पक्का अब आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चलिए इसके लिए हमें वापस से वो टेबल देखनी पड़ेगी देखिए जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है वो टी तो टी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना टी के बाद कौन डिस्प्लेस कर रहा है ये एक कर रहा है और वन टू थ्री थ्री कर रहा है और ये एक कर रहा है क्लियर पक्का तो टी टी के बाद थ्री कौन कर रहा है भाई ये देखो आ, टी के बाद दिस इज टी एक दो तीन क्यू तो टी के बाद क्यू अब ऐसे देख लो जिसमें टी के बाद क्यू हो बस तो मिल गया है आपको बस आराम से मिल गया द करेक्ट चॉइस इज बी अब मैंने आगे का चेक किया नहीं किया अरे जब टी क्यू मिल गया तो आगे तो एक ही ऑप्शन में टी क्यू दिख रहा है हमें सबको आ गया पक्का आ गया बच्चों बोलिए सारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना इस पैसेज को और ये बोर्ड में हंड्रेड परसेंट आ रही है और हंड्रेड परसेंट अगर आपको समझ में आया है तो हंड्रेड परसेंट मार्क्स के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए शेयर कर देंगे तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उन्हें लगेगा यार आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया ओके okay, बच्चों तो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस के लिए है ओके okay? <coughs> समझ में आया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं पैसेज टाइप क्वेश्चन टू ट्वेंटी वेरी यूजफुल इन ऑल फील्ड्स इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर ओके

नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तीनों के फॉर्मूले चाहिए मुझे फटाफट फट से ओके नॉन मेटल्स आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मेटल ओनली सॉलिड नॉन मेटल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हार्ड हाउएवर दे हैव लो डेंसिटी एंड आर ब्रिटल क्लियर ब्रिटल का मतलब सब जानते होंगे जो हैमरिंग करने पर ब्रेक हो जाते हैं क्लियर ओके पक्का आ गया ब्रेक ऑन हैमरिंग दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबको आगे बच्चों पक्का चलिए तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सबको आता हुआ ये इजिएस्ट क्वेश्चन है डैश इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस फॉस्फोरस नहीं होता सल्फर नहीं होता ब्रोमीन नहीं होता आयोडीन होता आयोडीन इज अ नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस सबको आता हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स सबको पता होगा किंग ऑफ केमिकल्स होता है सल्फ्यूरिक एसिड क्यों होता है क्योंकि वेरियस वेरियस इंडस्ट्रीज में काम आता है और बहुत मेनरी काम आता है जिस तरह आपको किंग ऑफ वेजिटेबल्स पोटेटो इसी तरह किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड सबको आगे आप में से कौन कौन से बच्चे अपने घर के किंग हैं जानते हैं ना कि सर मेरे मम्मी पापा मेरी हर बात को मानते हैं तो जब आपके पेरेंट्स आपकी हर बात को मानते हैं ना तो आप भी उनकी हर बात को मानिए और उन्हें रिस्पेक्ट कीजिए है ना और पढ़ आपको कोई काम नहीं देते वो तो आप पढ़िए और जब आप पढ़ेंगे तो पक्का उनको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है और किसी पेरेंट्स को आपसे कुछ नहीं चाहिए पक्का कह रहा और पक्का आप कह सकते हैं कि सर मेरे पेरेंट मुझसे कोई काम नहीं कराते और ड्यूरिंग द स्टडी तो बिल्कुल नहीं कराते है। समझ में आ रहे है ना तो फिर कहाँ कमी रह जा रही है आपकी पढ़ाई में वो नहीं रहनी चाहिए बच्चों पक्का चलिए मैं अपना बेस्ट एफर्ट्स लगा रहा हूं आपको देख रहा हो विदाउट एनी ब्रेक वी आर गिविंग द वीडियो सीट्स और आप एंजॉय फुली कर रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं चैप्टर्स आ रहे हैं ना तो आप भी अपना बेस्ट एफर्ट्स लगाओ बच्चों बाद में अफसोस ना हो कि काश मैं और अच्छा पढ़ लेता तो जो मेरे एटीज में आए वो नाइनटीज में मार्क्स आते ये अफसोस बहुत ही गलत फील कराता है बच्चों को बाद में

कभी आपने सुना हुआ जहरीली शराब पीने से पचास लोग मरे अभी बहुत सारे मरे थे ना तो वो उनमें क्या मिला होता है मिथेनॉल इसका आईपीएससी नेम होता है मिथेनॉल डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड टर्म में जब चैप्टर आएगा कार्बन कंपाउंड क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड अच्छा क्वेश्चन जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट एक्स इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज एन एक्सेप्शनल नॉन मेटल एक्स जो नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक ही है सारे बच्चों को आता होगा ओके जी फॉर ग्रेफाइट क्लियर सबको आ गया चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर प्रैक्टिस के लिए करेंगे आप क्लियर चले नेक्स्ट पैसेज आज की पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी क्वेश्चन

गिव एंड टेक कि तू मुझे देगा तब मैं तुझे दूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए कौन कौन से ऐसे बच्चे समझते हैं कि सर नो no, मेरी फ्रेंडशिप गिव एंड टेक वाली नहीं है दिस इज प्योर फ्रेंडशिप और उस फ्रेंड्स का नाम भी बताइए जिसके साथ आपकी प्योर फ्रेंडशिप चली आ रही है जैसे कृष्ण और सुधामा की थी क्लियर तो आई कंपाउंड सर यूजली सोलिड एंड हार्ड इन नेचर जनरली सोलिड इन वाटर एंड इन सोल इन सोलेंट लाइक पेट्रोलिन एक्सेट्रा मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं ये, ये सारी लाइंस आती हैं पेपर में आपको तुरंत टॉपिक क्लियर हो जाता है और अगर हमें फिजिकल स्टेट उनकी चेंज करनी होती है सॉलिड टू लिक्विड तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं इंपोर्टेंट डालना इस वाले पैरा को क्लियर तो चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आपकी स्क्रीन पर बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिट आइनिक कंपाउंड आइनक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉलिंग पॉइंट होते हैं यस इलेक्ट्रिकल कंडक्टी कंडक्ट करते हैं बोल्टन स्टेट में सॉलिड स्टेट में नहीं करते वाटर में सॉलेबल होते हैं सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते क्योंकि बच्चों उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उन्हें मूव आइंस को मूव करने से रोकता है तो फ्री आइंस एबसेंस होते हैं फ्री आइंस अवेलेबल नहीं होते हैं डू नॉट अवेलेबल अब कितनी अच्छी तरह से रीजन मैंने आपको बताया क्लियर पक्का चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपकी स्क्रीन पर इलेक्ट्रोवीअली सॉलिड एंड हार्ड इन नेचर दिस इज ड्यू टू अभी बताया था सॉलिड और हार्ड भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करते क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन अपोजिटली चार्ज द करेक्ट चॉइस इज ए सबको आ गया आप बी काट दीजिए सी काट दीजिए बी काट दीजिए चेक जरूर कर लिया करें क्या डायरेक्ट ए पे टिक लगाया मैंने नहीं टिक लगाया बट फिर मैंने चेक किया कहीं बी सी डी में से तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो मैंने वो क्रॉस कर दिया सबको आ गया पक्का ओके चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल टेक प्लेस इन देखिए ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्डिंग का मुझे कोई दूसरा नाम बताएगा कौन कौन बच्चा इसका अदर नेम बताएगा वो विनर होगा पक्का नियती सामा बहुत अच्छे बच्चे हैं टॉप कर सकते हैं स्कूल्स को इवन आगरा को बट पढ़ना और ज्यादा होगा क्लियर पक्का बच्चों आदित्य गुप्ता जी लक्ष्य गुप्ता बेस्ट हैं आप बट अपनी पढ़ाई को ट्रैक पर रखिए मेरी रेगुलरिटीज में है ये करना आपको कल बताया था ना मैंने हर दिन ये काम अब होता रहेगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नहीं लग रहा है तो मना कर देना सर नो वी आर नॉट लाइकिंग दिस ओके चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म बाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एटम द कैल्शियम एटम हैज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सबको कैल्शियम का नंबर आना चाहिए ट्वेंटी टू एट एट टू क्लियर तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन टू द करेक्ट चॉइस इज डी कोई बच्चा कह रहा था सर मुझे वन टू ट्वेंटी तक के नंबर नहीं आते मैं बता दे रहा हूँ हाइड्रोजन और हीलियम वन टू लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन थ्री फोर फाइव सिक्स नाइट्रोजन ओके एट ऑक्सीजन नाइन फ्लोरीन टेन नियॉन इलेवन सोडियम मैग्नीशियम ये याद होनी चाहिए बेटा एल्यूमिनियम फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, आर्गन और दिस इज पोटेशियम और दिस इज कैल्शियम नंबर आप खुद लिख लेंगे इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी क्लियर अब आप इनके अलावा कोई नहीं आएगा पक्का टेंथ तक यही हमारे सिलेबस में है ओके चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एटॉमिक नंबर ऑफ फोर एलिमेंट ए बी सी डी आर दिस कौन किन के बीच में आने कंपाउंड बनेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन द वेरी इंपोर्टेंट पक्का रहा ए बी सी डी देखिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं टू फोर टू एट सॉरी टू सिक्स एट है ना टू एट और टू एट टू अब दिस इज क्या बच्चों बताइए कार्बन दिस इज ऑक्सीजन नॉन मेटल नॉन मेटल दिस इज नोबल गैस ये तो कंबाइंड ही नहीं करेगी और दिस इज मेटल तो बच्चों बचा आपका बी और डी इन दोनों के बीच में होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन द करेक्ट चॉइस इज सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों पक्का रहा है हंड्रेड परसेंट स्पित पक्का रहा है प्रतीक नोबार क्लियर चलिए बच्चों थर्टी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए अब तनु कैरिड आउट टेस्ट ऑन फोर एलिमेंट्स तनु दीदी दी। एक एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं डब्ल्यू एक्स बाई जेड चार एलिमेंट्स लिए अब हमसे कह रहा है कि बाई ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं कहाँ से निकाल के दिया बच्चों और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आ रहा है बाय सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ओके हमें बताना है कि इनमें से मेटल कौन सा होगा सॉलिड है रूम टेम्परेचर तो ये नो no कह रहा है तो ये तो हट गया भाई डब्लू तो निकल लिया क्योंकि जब उसने सॉलिड नहीं बोला तो एक होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी चलो ए भी गलत ए सब गलत है तो ये नहीं है बाय डब्लू नहीं होगा मेटल ओके एक्स कंडक्ट कर रहा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर रहा सॉलिड है बट कंडक्ट नहीं कर रहा चलो भाई तुम भी हो बाय सॉलिड है कंडक्ट कर रहा है हेमर इन टू में नहीं है तो ये भी मेटल नहीं है भैया दो यस 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 तीनों काम यस 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 द करेक्ट चॉइस इज जेड बहुत इंपॉर्टेंट जेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेड जेड से बहुत ही कम लोगों के नाम होते हैं अगर आपके फ्रेंड्स में है तो उस नाम को बताइए क्लियर चलिए थर्टी फर्स्ट विच सीक्वेंस इंडिकेट्स करेक्टली द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इस क्वेश्चन को आप अगर मुझसे पहले करें और अगर सही कर गए तो मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं देखिए इंक्रीजिंग नाइन्टी नाइन परसेंट बच्चे क्वेश्चन में इसका मतलब ही नहीं जानते और देखिए सुनना इंक्रीजिंग मतलब होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप अब बॉटम टू टॉप पर जाना है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी क्लियर तो बच्चे क्या करेंगे ये वाला सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जिंक आयरन ये वाला ऑप्शन लगा देंगे नो no. द करेक्ट इज आयरन जिंक मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम द करेक्ट चॉइस इज ए नॉट बी सीओ डी तो देख ही नहीं रहा हूं मैं अब देखिये पक्का बहुत अच्छा क्वेश्चन था बहुत ज्यादा क्वेश्चन पक्का आ रहा है बोर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन पर पक्का आ रहा है बच्चों क्लियर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू डॉक्टर अंबर सिंगल So. पक्का आप डॉक्टर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई मेटल जेड वेन ई प्लेस इट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देर इज अ रिएक्शन एंड रेड ब्राउन पीस ऑफ कॉपर फॉल टू द बॉटम टू द टेस्ट ट्यूब क्लियर वेन ई प्लेस इट इन मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन नथिंग हैपन्स विच वन ऑफ द एलिमेंट्स गिवन बिलो डू यू थिंक इट इज अब देखिए जो जेड है वो कॉपर से तो कॉपर सल्फेट से तो रिएक्ट कर रहा है बट मैग्नीशियम सल्फेट से नहीं कर रहा है अब पक्का मतलब मैग्नीशियम से नहीं कर रहा है और कॉपर से कर रहा है तो बच्चों पक्का वो एम और कॉपर के बीच में होना चाहिए सबको आ रहा है सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रांजल बघेल कस दे तू नकेल कर दे ढंग से पक्का लिया बोर्ड में मार्क्स अच्छी तरह से क्लियर तो सोडियम तो नहीं होगा क्योंकि सोडियम तो एम से भी ऊपर होता है कैल्शियम भी नहीं होगा एम से ऊपर होता है बेरियम भी नहीं होगा बचा केवल आयरन इतना इंपॉर्टेंट है ये आयरन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना और पक्का आ रहा है डॉक्टर अम्बर सिंगर ऑल द बेस्ट बच्चा चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री बिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी आपको पता है एम जी को डिस्प्लेस करेगा बिल्कुल करेगा सही है जेड कॉपर को करेगा बिल्कुल करेगा कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कर दिया कॉपर एफ को करेगा करेगा और एफ एम जी को करेगा नहीं तो इसमें लिख देना विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस ओके विल नॉट टेक प्लेस तो द करेक्ट चॉइस इज डी ओके सबको आ गया सबको आ गया बच्चों तो ए सही है D सही है सी सही है डी नहीं करेगा इसलिए डी पॉसिबल नहीं होगी सबको आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री चलिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन थर्टी फोर क्लियर पक्का वेरी गुड क्वेश्चन थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एसिड सबको आता होगा क्वेश्चन थर्टी सिक्स फॉर्मेशन ऑफ कैल्सियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज अक्शन बिटवीन क्लियर क्वेश्चन थर्टी सेवन क्लियर वेरी गुड नाइस बच्चों क्वेश्चन थर्टी एट बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन और क्वेश्चन नंबर फोर्टी ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं सबको समझ में आया तो क्वेश्चन फोर्टी तक हमने किए और अगर आप वापस से देखें तो कितने सारे क्वेश्चन दिस इज द फिफ्थ डे तो चलिए सरप्राइज आज का ये रहा कौन मुझे बताएगा किस क्वेश्चन को हमने वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो पक्का आपको आना चाहिए दूसरा किस क्वेश्चन पर मैंने बोला कि ये आपको आज करिए अगर आपको आ गया तो ठीक नहीं तो कल मैं बताऊंगा ये दोनों क्वेश्चंस आपको बताने क्लियर ओके okay बच्चों तो इस तरह से हमने आज फोर्टी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और हम बहुत सारे अच्छी तरह से कर रहे हैं आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने अंदर की एक भी बुराई जो आप आज खत्म कर सकते हैं बस यही सच्चा मीनिंग होगा दशहरा मनाने का ओके okay? पक्का बच्चों हैप्पी दशहरा टू ऑल बोलो बाबा अम्मा की जय बाय बाय गुड नाइट